अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस वक्त के दुनिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग फ़ोन पोकोफोन F1 का। इस फ़ोन का रिव्यू करने में मैं इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था और मैं चाह रहा था जब मैं इस फ़ोन का रिव्यू करूँ तो उस वक्त ये पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका हो ताकि आप लोग आसानी से फैसला कर सकें और इस फ़ोन को परचेज़ कर सकें। मैंने काफ़ी वेट किया कि ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए लेकिन अब तक शाओमी की तरफ से ना तो ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च हुआ और ना ही अब तक ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आई है कि शाओमी पोकोफोन F1 को पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है। तो बहरहाल आज हम इस फ़ोन का रिव्यू करने जा रहे हैं और आज का जो रिव्यू है वो बेस्ड करेगा जो पिछले 10 से 15 दिन से मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस दौरान मुझे जो भी एक्सपीरियंसिस हुए वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के बैक पैनल के बारे में। इसका जो बैक पैनल है वो बनाया गया है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से। पॉलीकार्बोनेट दरअसल प्लास्टिक ही है लेकिन अगर मैं प्लास्टिक कहूंगा तो आपके माइंड में बहुत ही बेकार किस्म की फील आएगी कि यार प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी किस्म है। मतलब ये मेटालिक तो नहीं है और ग्लास भी जाहिर है नहीं है तो आपको प्रीमियम फ़ोन वाली फील तो नहीं आती, लेकिन जिस तरह मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखी जिसमें बताया गया कि यार इसका बैक पैनल बहुत ही बेकार है और बिल्कुल बुरा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिखने में भी बहुत गुड लुकिंग है और इसको जब आप इन हैंड फील है इस फ़ोन की वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं वो बटन मेटालिक हैं तो इस वजह से इसकी इन हैंड फील और ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आप इन बटन्स को छूते हैं। यहाँ पे आपको एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का 1.9 एपर्चर का है जबकि जो दूसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का एक डेप्थ सेंसर है। इन कैमराज में जो बड़ी कमी मुझे लगी वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। यहाँ पे आपको इन कैमराज में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल अगर हम इन कैमराज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यार आउट क्लास परफॉर्मेंस है इस प्राइस रेंज में। मतलब मैंने अब तक इस प्राइस रेंज में इससे अच्छे कैमराज नहीं देखे ऑनेस्टली। बहुत अच्छी इसका रिजल्ट है इन कैमराज का, चाहे आप वीडियो में ले लें चाहे आप स्टिल्स में ले लें, दोनों डिपार्टमेंट्स में ये कैमराज बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है और ये कैमराज जो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, चाहे सेल्फी कैमरा हो या बैक कैमराज हो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। हाँ यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को हटा के इन कैमरास की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई कैमरास की ये तो शाओमी के कुछ फोन्स के अंदर आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे स्नैपड्रैगन 845 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखें स्नैपड्रैगन 845 एक ऐसा चिपसेट है, क्वालकॉम का एक बेहतरीन चिपसेट है और ये जो चिपसेट है ये फ्लैगशिप फोन्स में लगाया जाता है हम सब जानते हैं। अब जाहिर है जब इतना अच्छा चिपसेट है तो यहाँ पे आपको ISP भी अच्छी, ISP यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर, वो भी आपको यकीनन यहाँ पे बेहतरीन मिल रहा होगा, तो यकीनन यहाँ पे इन कैमरास की परफॉर्मेंस इस बेहतरीन ISP की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बैक पे इन कैमरास के बिल्कुल नीचे आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और इस फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जस्ट आपने अपनी फिंगर को इस फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर प्लेस करना है और ये आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा। इसके अलावा फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.1 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, एक IPS पैनल है और इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छे कलर्स हैं और ये जो डिस्प्ले है ये आप आर्टिफिशियल लाइट में हो या नेचुरल लाइट में हो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने इसको नेचुरल लाइट में धूप में भी इस्तेमाल किया, मैंने इसको अंधेरे में भी इस्तेमाल किया इस डिस्प्ले को, मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम इस डिस्प्ले में नहीं मिली। हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि यहाँ पे इस डिस्प्ले में स्क्रीन ब्लीडिंग के इशूज़ हैं। यार मुझे स्क्रीन ब्लीडिंग के इश्यूज़ तो इस डिस्प्ले में बिल्कुल भी नहीं मिले। मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखी, मैंने बहुत ज़्यादा इस फ़ोन में ब्राउजिंग की, मुझे इस फ़ोन में किसी किस्म की स्क्रीन ब्लीडिंग के इश्यूज़ नहीं मिले। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ये एक नॉच वाला डिस्प्ले है और ये नॉच काफ़ी चौड़ी है, आप लोग देख पा रहे होंगे यकीनन, ये नॉच काफ़ी चौड़ी है और कुछ लोगों को ये नहीं पसंद लेकिन पर्सनली ये मुझे अच्छी लगी चौड़ी नॉच। वो छोटी छोटी जो नॉच होती है वो मुझे नहीं अच्छी लगी, उसके मुकाबले में ये चौड़ी नॉच मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा ये चौड़ी इस वजह से है कि यहाँ पे एक तो आपको एक सेल्फी कैमरा दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक इंफ्रारेड सेंसर भी दिया गया है जो आपके फेस को अनलॉक करता है और ये इंफ्रारेड सेंसर की परफॉर्मेंस यार मैंने अब तक जितने भी फेस अनलॉक देखे उसमें सबसे बेहतरीन फेस अनलॉक इस फ़ोन का है। मैं आपको एक ट्रायल करके दिखाता हूँ, अभी इस फ़ोन को मैंने लॉक कर लिया ठीक है, अब मैं इस फ़ोन की तरफ ठीक से देखूंगा भी नहीं और ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। देखिए ये मैंने पावर बटन प्रेस किया और ये मैंने देखा और ये अनलॉक हो गया। मतलब
शायद आधा सेकंड भी नहीं लेता ये फोन अनलॉक होने में। मैं दोबारा एक दफा करके दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने पावर बटन प्रेस किया, मैंने इसकी तरफ देखा और ये अनलॉक हो गया। इतना जबरदस्त फेस अनलॉक है। और लेकिन और ये जो फेस अनलॉक है, ये अगर बिल्कुल आप मतलब तारीक कमरे में हो, बिल्कुल अंधेरा हो ना, उसमें भी ये इसी तरह इसी स्पीड से काम करता है। तो ये चीज़ मुझे इस फ़ोन के अंदर बहुत अच्छी लगी कि इसका जो फेस अनलॉक है, जो इंफ्रारेड के ज़रिए अनलॉक करता है आपके फेस को, वो इतना फास्ट इतना एक्यूरेट है, ये इस फ़ोन में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये जो स्क्रीन है, ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है। और ये जो फ़ोन है, इसमें आपको MIUI मिलता है, MIUI 9 मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा कस्टमाइज है पोकोफोन के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस की गई हैं, ये जो आइकन्स हैं इनमें थोड़ी सी चेंजेस आपको मिलेंगी। और इसके अलावा जो इसके अंदर सेटिंग में भी छोटी मोटी आपको चेंजेस मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है, इसमें कुछ रीजन्स में फेस अनलॉक नहीं है। जब मैंने इस फ़ोन को मैंने मंगवाया और जब मैंने इसको सेटअप किया, तो मैं ढूंढता ही रहा कि इसमें फेस अनलॉक कहाँ है। फिर मैंने इस फ़ोन के रीजन को चेंज किया, पहले मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ था तो वहाँ पर मुझे फेस अनलॉक नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने रीजन इसको चेंज किया, मैंने हांगकॉन्ग ले लिया, तो उस वक्त इसमें फेस अनलॉक फिर आ गया था। तो रीजन आपको यहाँ पे ये छोटा सा मसला है कि रीजन आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अभी परसों मेरे पास एक अपडेट आई यहाँ पे इस फ़ोन में, MIUI की अपडेट आई, जिसमें 5-6 कंट्रीज थी। इस वक्त मैं आपको स्नैपशॉट भी दिखा रहा हूँ, 5-6 कंट्रीज थी जिसमें बताया गया था कि फेस अनलॉक की फैसिलिटी दी जा रही है। तो यकीनन ये जब फ़ोन पाकिस्तान में आएगा तो यहाँ पे भी इस फ़ोन के साथ फेस अनलॉक की फैसिलिटी दे दी जाएगी Xiaomi की तरफ से। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 845 मिलता है और ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 6GB रैम वाला वेरिएंट है। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि जब भी कभी आप ये फ़ोन परचेज करें तो 6GB वाला वेरिएंट ही लें। दूसरा, इसमें 8GB वाला वेरिएंट है, 8GB रैम बहुत हो जाती है, आप इतना जो रैम है वो कंज्यूम नहीं कर सकते, पैसे आपको 8GB के ही देने पड़ेंगे। तो वो आप मतलब मैं इसको फजूल खर्ची कहूँगा, 6GB रैम बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो स्टोरेज है वो आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, आप इसमें 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 845 यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। किसी किस्म की हीटअप यहाँ नहीं है, किसी किस्म की लैगिंग नहीं है, हैंगिंग नहीं है। और जो 6GB रैम है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको रैम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। काफ़ी देर तक जो बैकग्राउंड में चलने वाली एप्लीकेशन है वो ठीक से काम कर रही होती हैं। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि बैकग्राउंड पर अगर एप्लीकेशन इतनी देर तक चल रही होती हैं तो फिर तो इसकी बैटरी बैकअप भी कम होगा। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो फ़ोन है, ये 4000mAh बैटरी के साथ आता है, और ये जो 4000mAh बैटरी है, ये अच्छा खासा बैकअप दे देती है आपको। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो आप हैवी यूज़ अगर करें इस फ़ोन का, तब भी आपको ये फ़ोन जो है, ये बैटरी 1.5 दिन का आराम से बैकअप दे देगी। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो 2 दिन तो बहुत आराम से ये बैटरी आपको बैकअप दे देती है। तो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जो बैटरी है, इसको आप क्वालकॉम 3.0 क्विक चार्ज के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। इस फ़ोन के साथ जो चार्जर आता है वो भी फास्ट चार्जर है, उसके थ्रू भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब सैमसंग के और मोटोरोला के फास्ट चार्जर से इसको चार्ज किया तो वहाँ पे मुझे चार्जिंग स्पीड ज़्यादा बेहतर मिली इसके अपने जो चार्जर इसके साथ आता है उसके मुकाबले में। इसके अलावा यहाँ नीचे आपको एक स्पीकर दिया गया है। Xiaomi इस फ़ोन के बारे में कहता है कि इस फ़ोन में आपको स्टीरियो साउंड मिलता है, यानी कि आपको नीचे वाला जो स्पीकर है वो भी आपको वहाँ से भी आपको साउंड मिलेगा आउटपुट, और जो ऊपर ये वाला स्पीकर है यहाँ से भी आपको साउंड मिलेगा। अब टेक्निकली तो ये बात ठीक है, यहाँ से भी साउंड है, यहाँ से भी साउंड है, लेकिन थोड़ा सा जब मैंने इसको टेस्ट किया तो जो ऊपर वाला स्पीकर है इसका साउंड काफ़ी लो है। मतलब नॉर्मली जब हम लोग स्टीरियो साउंड की बात करते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें दोनों जो स्पीकर हैं में अच्छा खासा, मतलब नीचे वाला तो मेन स्पीकर है लेकिन ऊपर वाले स्पीकर में भी हमें अच्छा खासा साउंड आ रहा होता है। लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि 25-30% साउंड आ रहा होता है नीचे वाले स्पीकर के मुकाबले में। हाँ, लेकिन जो नीचे वाला स्पीकर है इसका साउंड है वो काफ़ी लाउड है, आपको यहाँ पे साउंड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इसके बराबर में यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इस USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू फास्ट चार्जिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा OTG के थ्रू अपने USB को भी आप इस फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है USB OTG का वो बहुत अच्छा है इस फ़ोन का। इस फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है, और वो नोटिफिकेशन लाइट यहाँ नीचे दी गई है, और वो मल्टी कलर लाइट नहीं है, एक ही कलर वाइट कलर की लाइट है। जब भी कभी आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो ठीक से परफॉर्म करती है, ब्लिंक कर रही
रही होती है उसको आप सेटिंग में जाके उस नोटिफिकेशन लाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम सेंसर की बात करें तो इस फ़ोन में जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रारेड सेंसर मिल जाता है फेस को अनलॉक करने के लिए, इसके अलावा इसमें यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर मिल जाता है, जायरो सेंसर मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी मिल जाता है, बैरोमीटर और कॉम्पास, तकरीबन सारे अच्छे सेंसर आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम दरअसल चिपसेट को ठंडा रखने के लिए, बल्कि ओवरऑल जो फ़ोन का हार्डवेयर होता है उसको ठंडा रखने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे दी गई है पोको फ़ोन पे शाओमी की तरफ से। वो किस तरह काम करती है ये मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया कि ये फ़ोन बिल्कुल भी मुझे वार्म भी नहीं हुआ, मैंने काफ़ी हद तक इसमें गेमिंग की, वार्म नहीं हुआ, हीटअप तो बहुत दूर की बात, और हैंगिंग या लैगिंग इस तरह की कोई इशूज़ नहीं मिले। अब आप इसको स्नैपड्रैगन 845 की बेहतरीन परफॉर्मेंस कह लें या फिर आप इसको लिक्विड कूलिंग सिस्टम का की बेहतरीन परफॉर्मेंस कह लें, बहरहाल दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। मैंने ये फ़ोन ज़ाहिर पाकिस्तान में है नहीं तो मैंने बाहर से मंगवाया था और ये मुझे पड़ा था पाकिस्तानी तकरीबन 41,000 रुपए के आसपास पड़ा था। यहाँ पे मंगवाने के बाद, पाकिस्तान में मंगवाने के बाद ही मुझे 41,000 का पड़ा था। अब पाकिस्तान में जब ये लॉन्च होगा तो मेरा ख्याल है कि 45-46,000 रुपये के आसपास ये लॉन्च होगा। जाहिर है कुछ टैक्सेस लग जाते हैं, फिर यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट का भी फ़र्क आ जाता है, तो 45-46,000 रुपये तक का मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा। फाइनली मेरी तरफ से जब भी कभी पाकिस्तान में ये फ़ोन लॉन्च हो तो यार डेफिनेटली लेना, बहुत अच्छा फ़ोन है यार। ये था एक कम्प्लीट डिटेल्ड और बहुत लंबा रिव्यू पोको फ़ोन F1 का, और मुझे पता था कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आज बिल्कुल फ्रेश होके और बिल्कुल फ्री होके बैठा हुआ था ताकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं। अब हो सकता है मैं कोई चीज़ भूल गया हूं, मिस कर गया हूं, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की अनबॉक्सिंग की और इस तरह डिटेल रिव्यू आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ हर उस डिवाइस की जो पाकिस्तान में लॉन्च होती हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या और कोई स्मार्ट डिवाइस हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।